गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास सेवन्थ के सेकंड चैप्टर जो कि है फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड दी रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये हमको फ्रैक्शन दे रखे हैं हम लोग क्वेश्चन में और इसके रेसिप्रोकल करने हैं। उसके बाद कह रहा है क्लासीफाई दी रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। क्लासीफाई मतलब इनमें से जो है ये फ्रैक्शन दे रखे हैं, बताने हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और होल नंबर है। तो चलो हम करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन करते करते मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और रेसिप्रोकल क्या होता है। क्वेश्चन करते करते मैं आपको समझा दूंगा। तो एक्सरसाइज हमारी है ये 2.4 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम उतार लेते हैं। क्या है, 3/7 है, 3/7। ठीक है, पहले इसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। जब रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इसका क्या होगा। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है जो नीचे है, ये नीचे वाला हमारा क्या होता है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला हमारा होता है न्यूमरेटर। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, जगह चेंज हो जाएगी ऐसे करके लिखेंगे। 7 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ नीचे जाएगा, ये है रेसिप्रोकल। इस नंबर का रेसिप्रोकल ये है। अब इसके बाद हमें ये बताना है कि ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है और होल नंबर है, इनमें से कौन सी कैटेगरी में ये आता है 7। तो जो 7 है हमारा ये क्या होगा, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है, जब हमारा नीचे वाला छोटा और ऊपर वाला बड़ा नंबर हो, वो इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, ठीक है। प्रॉपर क्या होता है, अगर हमारा 3 ऊपर होता और 7 नीचे होता तो वो प्रॉपर होता। प्रॉपर में क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमिनेटर स्मॉल होता है, छोटा होता है। तो ये हमारा इम्प्रॉपर है, तो हम इसके आगे लिख देते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है, ये इम्प्रॉपर का केस है, इसके आगे हमने इम्प्रॉपर लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो इसका है उसको कॉपी कर लेते हैं, वो है 58 है। ठीक है, इसका भी रेसिप्रोकल हमें करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 का क्या हो जाएगा हमारा, 8 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। ठीक है, 8 ऊपर चला गया, 5 नीचे चला गया। अब ये इसमें भी क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमेटर छोटा है, तो ये फिर से क्या है, इम्प्रॉपर है। ठीक है, ये भी क्या है, इम्प्रॉपर है। इसके बाद थर्ड वाला, ये 9/7, इसका पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इक्वल टू, जब 9/7 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, न्यूमरेटर छोटा हो गया, तो ये जो हमारा होगा ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लिखना चाहे तो फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, इनके ऊपर भी, यहाँ भी फ्रैक्शन, यहाँ भी फ्रैक्शन आप लिख सकते हो। फिर है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट हमारा है 6/5, 6/5 है, इसका हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ 6/5। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 6 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, न्यूमरेटर हमारा छोटा है, तो ये भी क्या है हमारा, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में हमारा है 12/7। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 12/7, तो क्या होगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमारा देखो 12 बड़ा है और डिनोमेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारा है सिक्स्थ पार्ट, वह है 1/8, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे पहले, रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 का क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 का 8 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जो नीचे 1 होता है इसको हम दिखाते नहीं हैं, तो ये जो हमारा क्या हो गया, होल नंबर हो गया, ये पूरा एक नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 आता है वो होल नंबर कहलाता है।
ठीक है, जिसका भी डिनोमिनेटर वन होगा वो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेवन्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है, 1/11 है, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/11, इसमें भी 11/1 आ जाएगा, इसके नीचे वन आ रहा है, ये भी तो, ये भी क्या हो जाएगा, होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2.4 का, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके मैंने सारे पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, और इम्प्रॉपर प्रॉपर और होल नंबर, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी पार्ट में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत जल्दी लेकर आऊँगा वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।